بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पेशावर जमीन पर से कराची के मैच बी एस बी एस 7 मैच 19 मैच समरी. कराची के कप्तान बाबर आजम ने टॉस के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन बना डाली. 6 आउट हुए. हजरतुल्ला दौलत ने 58 हुआ. हारिस को खिलाया कमरान अकमल की जगह और मोहम्मद हारिस ने वही कर दिखाया है जो पेशावर कमरान अकमल से चाहती थी, लेकिन कमरान अकमल नहीं कर पा रहे थे. तो अच्छी चेंज किया कमरान अकमल की जगह हारिस हो गया. हारिस भी विकेट कीपर है. 49 रन बनाए हैं. शुएब मलिक ने 31 और बैंक कटी ने 26 रन बनाए. कराची की जानेब जॉर्डन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया. कासिम अकरम ने 1, नबी ने 1 और मैद आसिफ ने भी 1 आउट किया. जवाब में बाबर आजम की टीम कराची की टीम 194 रन गद्दा की जगह हुए. मगर 20 ओवर में 131 रन बना सकी. अब 6 आउट हुए. बाबर आजम ने 59, जॉय कलाव ने 26 रन, नबी ने 15 और कुक ने 14. पेशावर के जाने पर सलमान इरशाद ने 2, वहाब रियाज ने 2, लियाम लिविंगस्टन ने 1 और मोहम्मद उमर ने 1 आउट किया. इसी तरह पेशावर ने यह मैच 55 रन से जीत लिया और कराची किंग की टीम को मुसलसल शिकस्त 6वीं शिकस्त है. समझ में नहीं आता कि कराची किंग का हो गया गया, लेकिन इतनी स्लो बैटिंग 8 ओवरों में 50 रन भी नहीं ये कर पाए थे. ऐसे लग रहा था कि इनकी टीम या तो 50 ओवर के क्रिकेट खेल रही है या तो टेस्ट क्रिकेट. असल में तो लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट खेल रही है. बाबर आजम बहुत दबाव का शिकार हैं. पहली बार कप्तानी कर रहे हैं कराची किंग की जानिब से. तो मुझे अच्छी तरह याद है जब बाबर आजम को कप्तानी सौंपी गई थी तो हमारे कुछ खिलाड़ियों ने कहा था कि रिजवान जो है वो बाबर आजम से बेहतर है. सब ने रिजवान की तारीफ की थी. अब देखें, मैं अगर अपनी वीडियो में उन प्लेयर का नाम बता दूंगा तो शायद आप लोगों को बुरा लग जाए. बुरा तो मुझे भी लगेगा तो मैं इसलिए नहीं बताता. तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आप भी कराची किंग की टीम की परफॉर्मेंस से बहुत मायूस हैं. मैं तो बहुत ही मायूस हूँ. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.